क्यों रुकना है सालों साल, जब पोजीशन मिले इसी साल। मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीजें है, वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मुमरा शहर में अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पहले सीएम एकनाथ शिंदे आनंद कोलीवाड़ा स्थित राजन किले के घर पहुंचे और राजन किले के परिवार से मुलाकात की। उसके बाद मुमरा शिवसेना शाखा पर भी पहुंचे। इस शाखा को लेकर पिछले दिनों काफ़ी घमासान मचा हुआ था, मगर अब ये शाखा शिंदे गुट के पास है। इसी शाखा पर आज सीएम एकनाथ शिंदे पहली बार पहुंचे और यहां पर मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कल होने वाले 5वें चरण के मतदान को लेकर महाराष्ट्र में तमाम जनता से अपील की है कि वो घर से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। महाराष्ट्र में चुनाव के दरमियान मैं पूरा महाराष्ट्र घूम रहा हूं और मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जो भी कार्य देश भर में किए गए हैं उसको लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है यह महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बात है। GDP के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। बड़े बड़े इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आ रहे हैं और लोगों को हम उसके माध्यम से लोगों को काम मिल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र में कभी भी हमने अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, बल्कि सबसे ज़्यादा हमने एक बराबरी का हिस्सा अल्पसंख्यकों को दिया है। इसलिए मैं जानता हूं कि मुमरा की जनता इस बार बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेगी और सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है मुमरा से ही होगी। इसलिए हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो हमें 45+ का नारा दिया है वो पूर्ण रूप से उसको पूरा करेंगे। वहीं टोरेंट पावर पर जब सवाल किया गया कि लोग टोरेंट पावर के खिलाफ हैं तो सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोगों की शिकायतें काफ़ी सामने आ रही हैं और चुनाव के बाद शहर के जिम्मेदारों के साथ अधिकारियों के साथ जो है बैठक की जाएगी ताकि टोरेंट से होने वाली समस्याओं को जो है हल किया जाए। मुमरा पहुंचे आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। चरण का मतदान होने वाला है उसके लेकर क्या कुछ करना चाहते हैं, किस तरीके से मतदान जो है घर से अपने मतदान के लिए निकले। मैं महाराष्ट्र में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज सभी जगह घूमा और फिफ्थ फेज का चुनाव कल होने वाला है। तो पूरे महाराष्ट्र में जब प्रचार में गया तो लोगों में एक डेवलपमेंट के मुद्दे पे लेके एक सेटिस्फेक्शन था और सरकार ने जो 2 साल में लिए हुए निर्णय जो है ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो। मैं यहाँ पर दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो है अपने महाराष्ट्र में नंबर 1 पे है। हमारा FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नंबर 1 पे है। हमारा GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर 1 पे है। तो महाराष्ट्र ऐसे राज्य है जहाँ लोग अब इंडस्ट्री आ रही है, लोगों को काम मिलेंगे और जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और सभी लोगों के लिए, युवाओं के लिए जो निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं वो लोग जानते हैं और निश्चित रूप से सभी लोगों को साथ में लेकर सबका विकास सबका साथ ऐसा हमारा जो स्टेट का जो 2 साल का जो काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 साल में जो काम किया है ये निश्चित रूप से ये काम का जो लोग इस चुनाव में उसका नतीजा जरूर दिखाई पड़ेगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, और इसलिए आम आदमी के जीवन में परिवर्तन हो, मेडिकल में, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इंफ्रा में हो, किसानों को मुद्दे पे हो, और इसलिए लोग महायुति को पसंद करते हैं और आने वाले कल का भी 5वां चरण है। इसमें 45 मिशन 45 जो हमारा है
निश्चित रूप से हम उसमें कामयाब होंगे। उम्मीद अभी बातचीत हो रही है मेरी सबसे कि डेवलपमेंट, वो भी डेवलपमेंट चाहते हैं और मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया है डेवलपमेंट में। जो थाना में जो रोड बन गई कंक्रीट की, थाना में पानी की व्यवस्था होगी, मुमरा में वही व्यवस्था होगी। अभी बड़ा अस्पताल हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर टनल हुआ, यहाँ पर फ्लाईओवर हुआ, ये जो हुआ है ये थाना कॉरपोरेशन राज्य सरकार के माध्यम से हुआ है। मुमरा को हम अलग नज़रिए से नहीं देखते, डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम पूरे शहर को एक ही समान देखते, राज्य को एक समान देखते और इसलिए यहाँ के युवाओं की, यहाँ के नागरिकों की इच्छा है कि हमारे मुमरा में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो ताकि हमारे मुमरा भी मेन स्ट्रीम में आ जाए। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर मुमरा को एक विकसित मुमरा बने। एक थाना कॉरपोरेशन का हिस्सा है और थाना कॉरपोरेशन के सभी हिस्से को हम एक समान मानते हैं और इसलिए निश्चित रूप से उनका जो डेवलपमेंट का मुद्दा है वही मुद्दा हमारा भी है। टोरेंट के मुद्दे को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। मुझे अभी टोरेंट के बारे में भी कई शिकायतें यहाँ सुनने को मिली है। देखिए हम लोग, हमारी सरकार जो है आम नागरिक के साथ में है, जनता को जो लाभ होना चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए हमारी सरकार काम करती है। अगर टोरेंट के बारे में जो भी तकरार है, जो भी कंप्लेंट्स है, ये चुनाव होते ही एक हम हाई लेवल की बैठक लेंगे और उसमें जितने भी मुद्दे आते हैं लोगों के हित के बारे जो भी है, लोगों के हित में जो होगा वो हम करेंगे। शिंदे साहब आगे बढ़ो।